उपस्थित थी जो तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके हाथों से इनका सत्कार किया जा रहा है। हाँ इधर देखो सब, आज 75 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें वकील है, डॉक्टर है, पुलिस है, अलग अलग फील्ड के जो काम करने वाले लोग हैं। वैसे हमने हीरे चुन के लाए और 75 लोगों को सम्मानित किया, वो भी अच्छे अच्छे लोगों के हाथों से, जिनमें हमारे आरटीओ भी है और हमारे डॉक्टर सुधीर चौधरी साहब भी है और भी अच्छे अच्छे हमारे पास चीफ गेस्ट आए हुए, सभी अच्छे लोगों के हाथ से दिया। सर आपने बताया कि चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं आपके पास, तो आज मेहमान खुसूसी तौर पर कौन कौन आए थे सर, उनके एक दो के नाम बताइए। डॉक्टर सुधीर चौधरी सर हमारे खास मेहमान थे और आरटीओ है मेयरगढ़ सर, जो सहायक परिवहन अधिकारी है वो भी आए हुए हैं हमारे पास में, और PSI है, PI है, तकरीबन अलग अलग के लोग आए जो हमारे चीफ गेस्ट है। आपका पूरा नाम बोलिए। सैयद साहब, सैयद सरदार, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, राष्ट्रीय सर। अभी जो आज सैयद साबिर साहब ने जो अवार्ड का प्रोग्राम मुनाकिद किया है यहाँ पर, आप मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर? शुरू के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार विरोधी समिति के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष साहब है सैयद साबिर साहब और उनकी टीम, इन्होंने गए मेरे ख्याल से 4-5 साल से ये परंपरा चली है कि समाज के विविध अंगों में जो काम करने वाले सेल्फलेस सर्विस देने वाले जो सोशल वर्कर है उनको एक प्लेटफॉर्म देके उनका सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया जाए ताकि उनको अच्छे काम करने का एक अच्छा सबक मिले। इसलिए उन्होंने 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों की पहचान अपने को मिलती है। बहुत से सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि जो जिनकी पहचान अपने को नहीं हो सकती, ये लोगों को इन्हें प्लेटफॉर्म में ला के अपने समाज के सामने रख रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर उनको ऐसी शक्ति प्रदान करे आगे अच्छा काम करने के लिए, ये मेरी ईश्वर की तरफ प्रार्थना है। शुक्रिया।